मोबाइल टावर रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए लगने वाली मशीन जिसे आजना कार्ड या फिर आरआर यूनिट कहा जाता है, उसे चोरी कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री करने वाले आरोपियों को मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। 22 अगस्त की दोपहर पुलिस को जानकारी मिली कि अचोले पुलिस स्टेशन हद में आने वाले एक मोबाइल टावर की रेडियो फ्रीक्वेंसी यूनिट चोरी कर ली गई है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर छानबीन शुरू कर दी, जिसके बाद गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस मामले से जुड़े हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में शुभम विनय कुमार यादव को सांताक्रूज से, शैलेश राम बिलास यादव को अंधेरी से, कपूर चंद सुरेश चंद गुप्ता को अंटॉप हिल मुंबई से, जाकिर मोहम्मद सलीम मलिक को दिल्ली से, जैद अनवर मलिक को दिल्ली से तथा मोहम्मद जुनैद आरिफ मलिक को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से लगभग 40 लाख रुपए के आसपास की कुल 36 आरआर यूनिट मशीन बरामद कर ली है। जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने बताया कि ये सभी आरोपी इस आजना कार्ड यानी आरआर मशीन की चोरी कर हांगकांग तथा चीन जैसे देशों में ब्लैक मार्केट के भाव में बेच देते थे तथा इन आरोपियों ने यह सभी मशीनें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गोवा तथा अन्य राज्यों से चोरी की थी। कमिश्नर ने बताया कि ये सभी आरोपी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई तथा वसई विरार नालासोपारा से लगभग 1 वर्षों से मशीनों की चोरी कर रहे थे तथा इस चोरी की गई मशीन की मार्केट कीमत लगभग 40 से 50 लाखों में है, लेकिन कालाबाजारी में इसकी कीमत करोड़ों में पहुंच जाती है। इसीलिए आरोपी आरआर यूनिट की चोरी कर हांगकांग तथा चीन जैसे देशों में भेजकर उसकी सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर में बदली कर फिर उसकी कालाबाजारी करते थे। फिलहाल मीरा भाईंदर वसई विरार क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने इस मामले से जुड़े हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस चोरी से संबंधित देश भर में दर्ज हुए कुल 20 मामले उजागर किए हैं और आगे की जांच में जुट गई है। इस बड़ी कामगिरी और क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की कड़ी मेहनत और अच्छी डिटेक्शन के लिए मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रशंसा की। रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए एक चीज होती है, मोबाइल टावर्स पे रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं आरआरयू, रेडियो रिसीवर यूनिट। इसको कहीं कहीं पे आजना कार्ड भी बोलते हैं। हमको एक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि 22/8/2024 को दोपहर 3 बजे के आसपास में आचोड़े पुलिस स्टेशन के एरिया में एक आजना कार्ड की चोरी का एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। इसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसमें सबसे पहले हमको 2 आरोपी जो है वो सीसीटीवी की मदद से मिले। उनको पकड़ने के बाद में उन्होंने कहाँ भेजा, इसका इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो एक बंसीलाल जैन ये व्यक्ति का हमको पता मिला। उसको जब हम लोगों ने इंटरोगेट किया तो उसने ये बताया कि एक कुरियर है, राजधानी कुरियर, वो उस कुरियर के मदद से ये जो आजना कार्ड है, अब ये जो आजना कार्ड है या जो रेडियो रिसीवर यूनिट जो है उसके बारे में आपको ये बता दें कि दुनिया में 2 कंपनियां बनाती हैं, 3 बनाती हैं एक्चुअली, एक है नोकिया, दूसरी है एरिक्सन और तीसरी है हुआई। हुआई इंडिया में अलाउड नहीं है। तो ये जो कार्ड है, जो मोबाइल फ़ोन का जो टावर होता है बड़ा वाला, उसके बेस पे एज अ रिसीवर इसको लगाया जाता है। एक टावर में 3 से 4 लगते हैं, उसमें से एक अगर चोरी हो गया तो कभी कभी डिस्टर्ब होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होता है। ये 2 जो आरोपी हमको मिले उनका नाम था
सबसे पहले हम लोगों ने पकड़ा कपूर चंद सुरेश गुप्ता, शुभम यादव, शैलेश, और उसके बाद में ये शुभम विनय कुमार यादव, एज 24 इयर्स, ये रहने वाला है वकोला का, और एक बंदा है उसका नाम है शैलेश राम विलास यादव, ये अंधेरी का रहने वाला है। इन दोनों ने पहली जो हमारा जो ऑफेंस जो हमने डिटेक्ट किया आचोड़े पुलिस स्टेशन का, वो इन्होंने चोरी की थी। इनको टिप दी थी कपूर चंद सुरेश गुप्ता जी ने। ये कपूर चंद सुरेश गुप्ता ये एंटोफिल में रहता है, और ये पहले इंडस टावर्स जो कंपनी जो इसको इंस्टॉल करती है उसमें काम करता था। उसने इनको टिप दी, वहाँ से कहानी आगे गई बंसीलाल जैन के पास। बंसीलाल जैन जो है वो मुंबई में स्क्रैप डीलर हैं। उन्होंने ये परचेज करके बाई थ्रू राजधानी कुरियर इसको दिल्ली भेजते थे। दिल्ली में फिर हमारी टीम गई, दिल्ली में इन लोगों ने, हमारे लोगों ने छापा वहाँ पे डाला, और वहाँ पे इन लोगों ने जैद अनवर मलिक और जुनैद आरिफ मलिक, और ये दोनों जो है काम करते हैं जाकिर सलीम मलिक इनके लिए, इन तीन लोगों को वहाँ पे उनका जो एक गोडाउन है वहाँ पे इनको रेड किया और वहाँ पे भी इनको पकड़ा। अब ऐसा हमको एयरटेल कंपनी से आइडिया मिल रहा है कि ये एक गैंग है जो कि शायद ऑल ओवर इंडिया ही ऑपरेट कर रही है। हम लोगों ने टोटल 8 जो यूनिट्स हैं ये सबसे पहले पकड़ा था जैन के पास, वो जैन जो स्क्रैप डीलर है उसके पास। उसने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी, जो कुरियर वाला जो बंदा था, हमने कुरियर वाले को बुलाया, बताया कि इस तरह का कोई माल तुम्हारे पास में कोई और भी देगा तो हमको बताना, तो उसने हमको इन्फॉर्मेशन दी और उसके हिसाब से हम लोगों ने वहाँ से 14 उसके पास से 14 यूनिट रिकवर किए। ये आपके सामने जो रखा हुआ है वही है, वो एक एक यूनिट है, और दिल्ली से रेड करके हम लोगों ने और 14 यूनिट रिकवर किए। ये जो यूनिट्स हैं ये इसका एक यूनिक इसमें आइडेंटिफिकेशन टर्म होता है, जैसे कि मोबाइल फोन में आपको पता होगा IMEI होता है, उसी तरीके से इसमें भी होता है। इसलिए अगर इसको दोबारा कहीं और किसी इंडिया में कहीं भी किसी जगह पे लगाया गया तो वो कंपनी को पता चल जाएगा कि ये फिर से एक्टिवेट हुआ है। इसका दो रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि इसको जैसे कि आईफोन में आप जानते होंगे कि जेल ब्रेक करते हैं, या फिर एंड्रॉइड में या कुछ और फ़ोन में उसको रूट ये करते हैं डीबगिंग, रूट डीबगिंग इस तरीके से करके इसको भी वैसा कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टूल्स यूज़ करके ऐसा कर सक करके दोबारा लोकल मार्केट में इसको बेचा सकता है। अदरवाइज इसको इंडिया से बाहर कहीं दूसरी जगह पे भी बेचा जा सकता है। जैसे इसमें एक अक्यूज ने हमको ये बताया है कि इसमें से कुछ माल वो पहले चाइना और हांगकांग में भेज चुका है। हम लोगों ने जो टोटल 36 ऐसी इस तरह की यूनिट जो पकड़ी है उसमें से कुछ यूनिट जो है वो महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित हैं, और एयरटेल कंपनी हमने जो मतलब जो पकड़ा है उसमें से 10, 36 में से 10 ऐसे हैं जिसका सीरियल नंबर हमको नहीं मिल रहा है, वो डिलीट किया जा चुका है। बाकी जो मिले हैं उसमें से एक यूनिट गोवा से चुराया गया है, एक दिल्ली से चुराया गया है, एक बिहार से, दो बिहार से, एक झारखंड से और एक पंजाब से। हम लोगों ने इसमें अभी तक टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 4 बॉम्बे से हैं और 3 बॉम्बे से, 4 बॉम्बे से और 3 दिल्ली से हैं। तो ये हम लोगों ने ये काम किया है और इसको इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है। ये कीमत जो है एक यूनिट तकरीबन इंडिया में जब बिकता है तो 60,000 रुपये का बिकता है, उसके हिसाब से ये 40 लाख रुपए की है,
लेकिन अगर इसको ब्लैक मार्केट में शायद इसकी कीमत कुछ करोड़ रुपए में होगी।